हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं थोड़ा खुश हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर आ रहा है मेरे से मिलने। वो कौन है वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरा वीडियो पूरा देखोगे। तो ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो क्यों आ रहे हैं, आखिर क्या है उनका सच, और क्यों आ रहे हैं मेरे पास, ऐसा क्या हुआ उनके साथ, और मैं उनकी हेल्प कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, ये सब तो ब्लॉग में आने के बाद ही पता चलेगा। और मैं अभी जाऊँगी उनको लेने, देखना पड़ेगा कहाँ है। वैसे उन्होंने फ़ोन भी मुझे बता दिया है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन ढूंढते ढूंढते जाना जाना पड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर बने रहना मेरे ब्लॉग में, और ब्लॉग को स्किप मत करना प्लीज़। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, स्किप मत करना, तभी आपको पता चलेगा कि कौन है वो। तो बने रहना और देखना, बताना कमेंट में मुझे कि आप लोगों ने जानते हो या नहीं जानते हो। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है इंसानियत। इंसानियत कुछ लोगों में आज भी है, तो मैं सोचती हूँ कि बस मैं कैसे भी करके उनकी हेल्प कर पाऊँ। भगवान, बस मुझे इतनी शक्ति देना, मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। कोई इंसान ना मजबूरी में ही किसी के पास जाता है, नहीं तो फ्रेंड मैं बहुत दिन से बोल रही थी उनसे मिलने का, ना मैं जा पा रही थी ना वो आ पा रही थी, क्योंकि ऐसा कोई मौका ही नहीं था। लेकिन उनकी एक ऐसी मजबूरी थी कि उन्हें आना पड़ा, और मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मैं देखती हूँ अगर मेरे से हेल्प हो पाएगा मैं उतना करूँगी जितना मेरे से हो पाएगा। और कभी भी फ्रेंड एक चीज़ याद रखना कि कभी भी किसी की भी हेल्प करने से पहले कभी अपना फ़ायदा मत सोचना बस, क्योंकि आप अपना फ़ायदा सोचोगे तो ये मत सोचो मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, ये सोचो मैं अपने मतलब से उसके साथ हूँ। बट मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है किसी लोगों में। तो मैं ये जानती हूँ कि मैं मतलब प्रॉब्लम में होती हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी से अपनी बात शेयर कर लूँ तो शायद मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा, मुझे थोड़ा अच्छा, मुझे हल्का फील होगा। तो वो भी एक लड़की है, तो सेम सिचुएशन उसके साथ होगी। तो मैं बस यही कहूँगी कि बस यार, आप जिसकी हेल्प कर सकते हो हेल्प करिए, अपना फ़ायदा मत देखिए प्लीज़। तो चलिए फ्रेंड, मैं चलती हूँ और मिलती हूँ तैयार होके आपको, मतलब रास्ते में जाते टाइम। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी आपसे, ब्लॉग को स्किप मत करना, तभी आपको पता लगेगा कौन है, कहाँ से आया और किससे मिलवाने वाली हूँ मैं आज आपको, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड, फ्रेंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। सो आज एक बहुत बड़ा यूट्यूबर आ रहा है, तो कौन है वो, बने रहना मेरे ब्लॉग में, पूरा देखोगे तभी पता चल। तो फ्रेंड वो मुझे मिल नहीं रही, मैं ढूंढ रही हूँ काफ़ी देर से उसे, लेकिन फ्रेंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। सो फ्रेंड वो अभी मुझे मिल नहीं रही है, मैं जा रही हूँ इधर से होते हुए। देखो कितने प्यारे प्यारे बादल हो रहे हैं, देख रहे हो ना, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार यहाँ से, देखो। पांच सेकंड तो पहले ले लिया, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड ये भी आ गई है, आप इनको जानती होगी, खुशी जो मैं बोल रही थी आप लोगों से कि आने वाली है, तो आ गई। कैसा लग रहा है आपको? ये हमारी खुशी। हाँ तो ये इनकी फ्रेंड है, बट मेरी भी फ्रेंड बन चुकी है, बन गई हो ना, मैंने उनको तो बोला ही नहीं, बट मैं आपसे कह रही हूँ बन गई। तो हाँ ये मेरी फ्रेंड बन गई है, और इधर में खुशी है। खुशी कैसा लग रहा है मेरे पास आके? इनका भी चैनल है, और इनका मेरे बहुत बड़ा चैनल है मेरे अकॉर्डिंग, तो भी मुझे भी अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। कुछ टाइम पहले मैंने इनको बोला था कि मुझे आपसे मिलना है मिलना है, बट ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि मेरे मैं इनके पास जा पाती या फिर ये मेरे पास, लेकिन अभी ऐसा हुआ कि ये आई है तो हम लोग मिल लिए। तो ठीक है, चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो फ्रेंड मैं 62 से होती हुई जा रही हूँ घर,